तो इन्फेक्शन ऑफ एचआईवी किस तरीके से एक पर्सन टू पर्सन फैलता है, उसका डायग्नोसिस कैसे पता कर सकते हैं कि आपको एचआईवी हुआ है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एचआईवी को, एंड ऑफ कोर्स द क्योर, जो कि कंप्लीट क्योर हमारे पास है नहीं, खैर फिर भी जो क्योर है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ एचआईवी स्प्रेड। नाउ देखिए, एचआईवी कैसे इन्फेक्ट हो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कैसे होता है, वो समझने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एचआईवी आखिर है कहाँ, है ना, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तभी तो आप समझेंगे कि कहाँ कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है। तो एचआईवी ब्लड के अंदर होता है और टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम ब्लड में होता है, मतलब कि कहीं ना कहीं पे लिम्फ वगैरह में रहेगा, और एचआईवी सीमन में है, एचआईवी वेजाइनल सिक्रीशन में है, एनल सिक्रीशन में है, ब्रेस्ट मिल्क में है और एमनियोटिक फ्लूइड में है। अच्छा, कहाँ एचआईवी नहीं है? एचआईवी टीयर में नहीं है, सलाइवा में नहीं है, स्वेट में नहीं है, नेजल म्यूकस में नहीं है, वॉमिट में नहीं है, फिकल मैटर में नहीं है और यूरिन में नहीं है। नो पे टेंशन, क्योंकि देखिए एचआईवी क्योंकि आपके ब्लड में है, तो किसी भी तरीके से अगर आप किसी भी पर्सन के अंदर ब्लड ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफकोर्स आप उसके अंदर एचआईवी ट्रांसमिट कर रहे हैं। अगर आपको एचआईवी है तो जैसे कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में सॉरी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को भी छोड़ देते हैं, जैसे कि अगर ब्लड ट्रांसमिट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इंजेक्शन इंजेक्ट किया, आपने कोई ऐसी नीडल इस्तेमाल करी जो ऑलरेडी एचआईवी से कंटामिनेटेड थी और उस नीडल को इस्तेमाल किया, तो ऑफकोर्स वह एचआईवी वायरस आपके ब्लड में चला गया, ठीक है ना। आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, अब या आपने ऑर्गन लिया किसी ऐसे पर्सन जिसको ऑलरेडी एचआईवी था, तो आपके अंदर क्या चला गया, आपके अंदर एचआईवी चला गया। अच्छा, ये जो नीडल वाला है ना, इंजेक्ट इंजेक्शन वाला, ये कॉमन है उन लोगों के अंदर जो कि ड्रग एब्यूज़ करते हैं। अब जब हम जनरली ड्रग एब्यूज़ करते हैं, लोग एक ही सिरिंज इस्तेमाल कर लेते हैं एक दूसरे के अंदर, मतलब कि आपस में ड्रग यूज़ करते हैं, एक ही सिरिंज इस्तेमाल कर लेते हैं ड्रग को इंजेक्ट करने के लिए, तो हो सकता है उन पाँच दस दोस्तों का ग्रुप हो, उनमें से एक को एचआईवी हो, तो वो 10 के 10 लोग हो जाएगा। तो ये एक ड्रग एब्यूसिंग ड्रग लोग पर लोगों में एचआईवी के या हेपेटाइटिस बी के या लेट्स से सिफिलिस के जो भी ऐसे नीडल्स वगैरह से हो सकते हैं, उनके चांसेस रहते हैं। खैर, तो ब्लड एक्सपोजर से हो सकता है एचआईवी, क्योंकि ब्लड के अंदर प्रेजेंट, तो ब्लड आप कैसे मर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी को, आप एचआईवी ट्रांसमिट करेंगे क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में है एंड प्लेसेंटल रीजन में भी है, तो प्लेसेंटा से पार हो सकता है एचआईवी, इसलिए मदर भी ट्रांसमिट कर सकती है फीटस को डायरेक्टली। देखिए, मदर भी ट्रांसमिट कर सकती है प्रेगनेंसी में, फीटस को डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकती है और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम पे भी ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है। एंड क्योंकि वेजाइनल सिक्रीशन में भी एचआईवी होता है, देखा, तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे भी ट्रांसमिट कर सकती है डिलीवरी के टाइम पे, और ऑफ कोर्स आफ्टर द डिलीवरी, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में है तो फीडिंग से भी ट्रांसमिट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करी जाती हैं इफ़ अ फीमेल उस प्रेगनेंट इज हैविंग एचआईवी, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन ऑफ एचआईवी। इसके अलावा देखिए, क्योंकि सीमन में है, वेजाइनल सेक्रेशन में है, एनल सेक्रेशन में है, तो देखिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ एचआईवी, द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब देखिए, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि जो हम नॉर्मल कॉइटस पढ़ते हैं कि द पीनिस इंसर्टेड इनसाइड द वेजाइना, तो नॉर्मल कॉइटस ऐसा नहीं है वो। ऑफ कोर्स नॉर्मल कॉइटस तो ऑफ कोर्स वन एक रीजन है एचआईवी का, जिसमें जो मेल पार्टनर फीमेल को एचआईवी दे सकता है या फीमेल पार्टनर एचआईवी मेल को एचआईवी दे सकती है, दोनों केसेस पॉसिबल हैं, क्लियर पॉइंट। इसके अलावा नॉन सॉरी अदर काइंड ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेनाइटल एनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू मेल्स, उससे भी एचआईवी क्या हो सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जेनाइटल एनल कॉन्टैक्ट के अलावा जेनाइटल ओरल कॉन्टैक्ट, मतलब कि जेनाइटल ऑफ द फीमेल एंड ऑफ कोर्स ओरल कॉन्टैक्ट ऑफ द मेल, उससे मेल को ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम द फीमेल, ठीक है। एंड जेनाइटल ओरल कॉन्टैक्ट जहाँ पे जेनाइटल्स ऑफ द मेल एंड ओरल पार्ट ऑफ द फीमेल, वहाँ पे मेल से फीमेल को ट्रांसफर हो सकता है एचआईवी। तो जेनाइटल ओरल कॉन्टैक्ट, जेनाइटल जेनाइटल कॉन्टैक्ट, जेनाइटल एनल कॉन्टैक्ट एंड इवन ओरल ओरल कॉन्टैक्ट। देखिए, ओरल ओरल कॉन्टैक्ट के अंदर चांसेस कम है एचआईवी के ट्रांसमिट होने के, लेकिन यस नेग्लिजिबल आप बोल सकते हैं, लेकिन
एकदम एकदम मतलब कि जीरो नहीं कह सकते, ठीक है ना। अच्छा, ओरल ओरल कॉन्टैक्ट का रीज़न सलाइवा नहीं है, क्योंकि सलाइवा में HIV नहीं होता। ओरल ओरल कॉन्टैक्ट का रीज़न है कोई छोटे मोटे कट्स जो टंग पे हो, लिप्स में हो, उसके थ्रू। खैर, अच्छा क्या क्या चीज़ में सलाइवा, क्या क्या चीज़ में HIV नहीं है? HIV इज़ नॉट प्रेजेंट इन टीयर, सलाइवा, स्वेट, म्यूकस, वॉमिट, फिकल मैटर एंड यूरिन। क्योंकि देखिए, टीयर में नहीं है तो भाई किसी का दुख बांटने से आपको HIV नहीं होगा। सलाइवा में नहीं है तो किसी का झूठा खाने से आपको HIV नहीं होगा। स्वेट में नहीं है मतलब किसी से घूमने फिरने से आपको HIV नहीं होगा। नेजल म्यूकस नहीं है मतलब कि किसी के छींकने से आपको HIV नहीं होगा। वॉमिट करने से HIV नहीं होगा। फीकल मैटर के कॉन्टैक्ट में आने से HIV नहीं होगा। यूरिन के कॉन्टैक्ट में आने से HIV नहीं होगा। मतलब आप एक HIV पेशेंट के साथ घूम फिर सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन किस एन HIV पेशेंट, ऑफकोर्स नॉट अ डीप किस, बट नॉर्मल किस कर सकते हैं, पेक कर सकते हैं, खाना शेयर कर सकते हैं। स्नीजिंग, उसके स्नीज कर रहा है तो आपको HIV नहीं होगा। ऑफकोर्स कोरोना या दूसरे इन्फेक्शन होते हैं, बट यस HIV नहीं होगा। अच्छा, केयरिंग करने से या यू नो पब्लिक टॉयलेट शेयर करने से, हाथ हाथ मिलाने से, या ऑफकोर्स किसी मच्छर से या मक्खी से, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से HIV नहीं होता है। क्लियर पॉइंट? ये सब मिथ्स हैं कि इनसे होता है, इन सब से नहीं होता है HIV। आ रही बात समझ में? नाउ प्रिवेंशन ऑफ HIV, देखिए प्रिवेंशन ऑफ HIV वही है जो रीजंस हैं। पहला, मैं लास्ट से शुरू करता हूँ, अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम अननोन प्लेसेस। देखिए, इससे चांसेस रेयर होते हैं। मतलब कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जा रहा है तो वो जनरली नॉर्मल नोन जगह पर ही जाता है, अच्छी जगह ही जाता है, और फिर ब्लड चेक भी बहुत बार होता है मतलब कि ट्रांसप्लांट होने से पहले। लेकिन स्टिल आपको अवॉइड करना चाहिए कोई भी ऐसी जगह जहाँ अननोन हो, या आप प्रॉपरली नोन ना हो, या गवर्नमेंट रिकोगनाइज ना हो। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से केसेस कम है, लेकिन अगर HIV इन्फेक्टेड वाले पर्सन का ब्लड आपकी बॉडी में आया तो आपको 100% चांस है कि आपको HIV हो जाएगा। मतलब कि हाई चांसेस है आपको HIV हो जाएंगे। क्लियर पॉइंट? मतलब आपके पास दो ऑप्शन हो, ऑप्शन ए HIV पर पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करना, ऑप्शन बी HIV वाले पर्सन का ब्लड लेना। तो चांसेस ज़्यादा हैं ब्लड वाले केस में। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद हो सकता है एक बार के लिए HIV ना हो, लेकिन ब्लड आ गया तो फिर HIV होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द अननोन, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की। केसेस कम है ऑफकोर्स, क्योंकि हम देख संभल के ही ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। खैर, नॉट जस्ट ब्लड, ऑर्गन्स ऑल्सो, कोई भी चीज़ दूसरे पर्सन से ली तो जिसमें ब्लड इन्वॉल्व है ऑफकोर्स, तो HIV हो सकता है। खैर, अवॉइड यूजिंग यूज नीडल्स ऑफकोर्स, ये तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल से ट्रीट करके या नीडल को बर्न करके, जैसे कहते हैं उसे डिसइनफेक्ट करके भी इस्तेमाल करते हैं, उसको भी अवॉइड ही किया जाए तो बेटर है। आप फ्रेश नीडल ही इस्तेमाल कीजिए, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फ्रॉम HIV। ठीक, कोई रिस्क मत लीजिए उसमें। ओके, प्रिवेंट सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पार्टनर्स। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके का ये मतलब कि ये न्यू एरा है, उसमें दिस इज काइंड ऑफ थिंग वेयर पीपल कम इन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पार्टनर्स, एंड ऑफ कोर्स विद सेक्स वर्कर्स ऑल्सो विच आर कम्प्लीटली अननोन टू यू। तो आपको नहीं पता होता कि विच पर्सन इज कैरिंग वॉट डिजीज। तो नॉट नॉट जस्ट HIV, सिफिलिस, गोनोरिया, है ना, देर आर सो मेनी STDs विच कैन बी ट्रांसमिटेड। सो यू शुड अवॉइड हैविंग सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद एनी अननोन पर्सन, एंड स्टिल इफ इफ इट इज़ अ केस यू आर हैविंग अ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद एन अननोन पर्सन, सो इट्स ऑलवेज बेटर फॉर यूजिंग अ बैरियर मेथड, स्पेसिफिकली द कॉन्डम्स। रीजन बींग, देखिए बैरियर मेथड्स में आपको आपको पहले बताया गया देयर आर डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, द डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर मेथड्स, बट द कॉन्डम्स आर द ओनली एंड ओनली बैरियर मेथड्स विच प्रिवेंट STIs। STI प्रिवेंट करने वाले ये इकलौते ऐसे बैरियर मेथड है जो STI को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। बट येस, पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इट कैन ऑलवेज माल फंक्शन, बैरियर मेथड कैन ऑलवेज माल फंक्शन, प्रॉबिलिटीज हैं। इसलिए बेस्ट इज कि आप इफ़ यू आर हैविंग अ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद एनीबडी, द पर्सन शुड बी नोन और टेस्टेड, एंड ऑफकोर्स द बेस्ट इज फॉलो मोनोगैमी। नेक्स्ट, वी हैव द डायग्नोसिस, हाउ टू डायग्नोज HIV। देखिए HIV डायग्नोज करने का जो तरीका है हमारे पास अभी बेस्ट अवेलेबल है वह ELISA, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जिसमें हम टेस्ट करते हैं द एंटीजेंस या स्पेसिफिक प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट
if a person is infected with HIV. Of course, PCR, quantitative PCR, can be qt-pcr can be also used for the diagnosis of HIV. And yes, ek bar ye test positive aate hain, so yes, you can confirm it by western blotting. Western blotting is like southern blotting, bas protein ke sath ki ja rahi hai. Southern blotting DNA ke sath hoti hai, northern RNA ke sath, aur western is the same thing like southern blotting, just done with the help of, but that was done with the protein. That's a confirmatory test. Now talking about cure of HIV, देखिए एच आई वी को अगर आपको क्योर करना है तो हम देखिए एच आई वी आपको जिस तरीके से इन्फेक्ट कर रहा है ना, उन सब तरीके से उसे हम क्योर कर सकते हैं. देखिए एच आई वी को इन्फेक्ट करने के लिए पहले आपके रिसेप्टर से बाइंड करना है, फिर उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस्तेमाल करना है, फिर इंटीग्रेस इस्तेमाल करना है, फिर प्रोटीज इस्तेमाल करना है. तो हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर सकते हैं, हम प्रोटीज को इनहिबिट कर सकते हैं, हम इंटीग्रेस को इनहिबिट कर सकते हैं, हम डॉकिंग को इनहिबिट कर सकते हैं. मतलब किसी भी स्टेप पे आप इनहिबिटिंग करेंगे तो एचआईवी को प्रिवेंट किया जा सकता है. जिसमें मोस्ट कॉमन जो अच्छा सबके कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स इस्तेमाल होती है. हम ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ प्रोटीज इनहिबिटर दे दिया हो गया काम, नहीं. हम प्रोटीज इनहिबिटर भी देंगे, हम इंटीग्रेस इनहिबिटर देंगे, हम डॉकिंग इनहिबिटर भी देंगे, हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी देंगे, एआरटी भी देंगे. हम सभी के कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देंगे ताकि मैक्सिमम इफेक्ट आ सके. हम हर एक स्टेप से एचआईवी को इनहिबिट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे. खैर असिस्ट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में हमारे पास दो तरीके की थेरेपी आती है. एक ऑफकोर्स जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, आई एम सो सॉरी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में सारे आते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, प्रोटीज इनहिबिटर्स, इंटीग्रेस एंड डॉकिंग इनहिबिटर्स. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स आपके पास दो तरीके के आएंगे, या तो वो नाइट्रोजनस बेस के जैसे होंगे, जैसे हम बेस अनलॉक्स बोलते हैं, ठीक है. बस ये फ़र्क होगा कि नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, जैसे कि डी ऑक्सी साइटिडाइन, ठीक है. जो बेस एनालॉग होगा वो क्या होगा, नॉर्मल बेस होते हैं सिंगल ऑक्सी, मतलब कि डी ऑक्सी साइटिडाइन. जो बेस एनालॉग होगा वो क्या होगा, डाई डी ऑक्सी साइटिडाइन या डाई डी ऑक्सी थाइमिडाइन. तो बेस एनालॉग इस्तेमाल करते हैं या नॉन बेस एनालॉग इस्तेमाल करते हैं. जो बेस एनालॉग्स हैं उसका एग्जांपल जैसे जाइडोविडाइन, नोन एज एजिडोथाइमिडाइन से भी नाम से भी आता है ये, इसको हम AZT बोलते हैं, बहुत फेमस है, याद रखिएगा. AZT एजिडोथाइमिडीन इज अ बेस एनालॉग यूज्ड व्हिच इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यूज्ड एज एआरटी, दैट्स एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. स्टेविडाइन भी एक ड्रग है. नॉन बेस एनालॉग में हम नेविरेपाइन यूज करते हैं. देखिए काम दोनों का सेम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करना, तरीका अलग अलग है. कुछ बेस एनालॉग है, कुछ क्या है नॉन बेस एनालॉग. उसके अलावा बाकियों का तरीका अलग है, मतलब कि फंक्शन कंप्लीटली अलग है, प्रोटीएस, इंटीग्रेस या डॉकिंग इनहिबिटर्स. क्लियर है पॉइंट. नाउ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वर्ल्ड एड्स डे होगा आपका 1st of December में, इसे कोमेमोरेट किया जाएगा. ऑन 1st of December इज कोमेमोरेटेड. एंड यस नैको, हाउ कैन दिस इज नैको इज इम्पॉर्टेंट, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको, जिसका ये रेड रिबन जो है उसका एक सिंबल है. और ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि who stand together joining hands against the AIDS, holding hands against the AIDS. That is NACO, National AIDS Control Organization. So that's all about the HIV. And of course this video is brought to you by Kelvin. Keep studying, keep scoring, all the best for your NEET exams. Aur koi doubts ho aap mujhe WhatsApp kar dijiye, mail kar dijiye, text kar dijiye, call kar dijiye, and all the best for your NEET exams. Thank you very much.